हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी कैट एट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो एनआरआई सीट, जो फॉरनर सीट होती है, नॉन रीजनल इंडियन, तो इसके लिए आपका कितना शुल्क लगता है। तो पहले हम बात करेंगे यूजी की, मतलब अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट की, इसके बाद आपका फिर पीजी की बात करेंगे और बीबीएससी, उसके उपरांत आपका मास्टर्स पीएचडी के लिए भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूजी में आपका देखिए, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर लेते हैं बीएससी एजी, आप चाहे पीसीबी से हो, चाहे पीसीएम से हो, या फिर आपका पीएजी से हो, यदि आप बीएससी एजी लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लेते हैं, तो आपको एक साल, दो साल, तीन साल और चार साल, ये कंटिन्यू, ये जो आपकी 50,000 फीस पर सेमेस्टर लगती है, पर ईयर लगती है, ये तो आपका देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस में इसको 1,00,000 रुपए आपको वर्ष में एक बार देना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में देना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में और सेवंथ में, ठीक है। ये 50,000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा चार साल, साथ में चार साल में आपको ये 1,00,000 रुपए चार साल देना पड़ेगा, मतलब 4,00,000 ये और 2,00,000 ये, टोटल आपका हो जा रहा है 6,00,000 रुपए आपका एनआरआई सीट के लिए खर्चा, ठीक है। और इसमें यदि आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, मैक्सिमम लोगों की आ जाती है, दिक्कत नहीं होती है, यदि आपकी जीपीए, जो गवर्नमेंट के वर्तमान रूल चल रही है, यदि आपकी 60% से ऊपर है, मतलब 6 से ऊपर जीपीए जाएगा, आप जब यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे तो जीपीए कहा जाता है, जीपीए, सीजीपीए, एसजीपीए, इसको आप कहा जाता है, ठीक है, ग्रेड पॉइंट। तो इसमें आप 60% से यदि ऊपर रहता है तब आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है, अन्यथा इससे नीचे यदि रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है। अब आइए बीबीएससी की बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ये भी आज आपका यूजी के सेगमेंट में ही आता है। तो बीबीएससी का जो आपका है, ये आपका 5 साल में है, 1, 2, 3, 4 साल और ये 5 साल। तो इसका जो पहले साल आपका है, इसका टोटल जो खर्च है ये 20,00,000 रुपए है, 20,00,000 यदि आप एनआरआई सीट लेते हैं। और ये जो एनआरआई सीट है ये थर्ड काउंसलिंग में ही मिलती है, थर्ड फोर्थ में, ठीक है, 20,00,000 रुपए। अब आपको किस वर्ष में कब देना है, ये देखिए, इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं चलता है, इसमें ईयर वाइज चलता है वेटनरी साइंस में, ठीक है। तो आपको पहले प्रथम वर्ष में आपको प्रवेश के समय 5,00,000 रुपए डोनेशन के रूप में देना होगा, ठीक है, 5,00,000 रुपए आपको डोनेशन के रूप में देना होगा। फिर इसके बाद आपका सेकेंड ईयर में आपको 4,00,000 रुपए देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में आपको 4,00,000 रुपए देना होगा, थर्ड ईयर में भी आपको 4,00,000 रुपए देना होगा, उसके बाद आपका फोर्थ ईयर में भी आपको 4,00,000 रुपए देना पड़ेगा, और नेक्स्ट और लास्ट ईयर जो आपका बचेगा इसमें आपको 3,00,000 रुपए देना होगा। बाकी जो फीस है इसकी एक्चुअल, उसको छोड़ करके, तो ये टोटल आपका 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 3, 20,00,000 रुपए आपके टोटल कंबाइंड हो गए, ठीक है। ये आपका हो गया बीबीएससी की, बीबीएससी के बाद आप आइए पीजी मास्टर्स की बात करते हैं। पीजी क्लियर दिख रहा है ना, हाँ जी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। पीजी की बात करते हैं मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के सेगमेंट में आप देखेंगे एमएससी में,
एमएससी में आपको चार सेमेस्टर होता है, चार सेमेस्टर होता है, दो वर्ष का एमएससी होता है, एक साल और दो साल। इसका जो टोटल खर्च आता है, देखिए एमएससी में आपको प्रत्येक वर्ष 75,000 रुपये लगेंगे सेमेस्टर के लिए, 75,000 आपके पर ईयर लगेंगे, मतलब सेमेस्टर फीस, दो सेमेस्टर की फीस आपकी 75,000 आती है, ठीक है। इसके प्लस में आपको 4,00,000 रुपए और एक्स्ट्रा इसमें लगेगा। एनआरआई सीट यदि आप लेते हैं तो आपको 4,00,000 रुपए का डोनेशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दोनों साल का मिला करके, ठीक है। कब कब देना होगा? एक तो फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एट द एडमिशन टाइम, ठीक है। उसके बाद एडमिशन टाइम के बाद आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होगा, थर्ड सेमेस्टर में आपको एक बार फीस जमा कर रहा होगा 2,00,000 एट द एडमिशन टाइम और 2,00,000 आपका थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। ये आपका टोटल 4,00,000 हो गया, 5,00,000 टोटल आपका खर्चा कितना हो रहा है, 5,50,000, ठीक है, 5,50,000 रुपये आपका हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऑल ओवर खर्चा हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए पीएचडी डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए आपका एनआरआई सीट के लिए कितना फीस लगता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पीएचडी देखिए आपका 3 से 5 साल के अंदर में आपको कंप्लीट करना होता है, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल। तो इसके लिए जो आपका फीस है पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट के लिए, ये कहाँ पर दिया हुआ, आपको पूरा बुलेटिन में दिया हुआ है। आप यदि बुलेटिन देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको बुलेटिन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पीएचडी आपका 6,00,000 रुपये आपको डोनेशन के रूप में देना होगा। पहले वर्ष में आपको 2,00,000, फिर 2,00,000 आपको सेकेंड ईयर में, दूसरे वर्ष में फिर आपका 2,00,000 रुपए तीसरे वर्ष में, ठीक है। यदि आप चौथे और पांचवे में जाते हैं तो इसका एनआरआई का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बाकी जो आपका 1,25,000 रुपये फीस लगता है सेमेस्टर का, वही बस आपको देना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी आपको समस्या नहीं आपकी सॉल्व हो पा रही है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, Agree Classes 573 पर आप हमसे संपर्क करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।